परी, मैं अब तेरी एक नहीं सुनूंगी। लेकिन ताई जी, नीति मेरी जिंदगी। ये तेरी जिंदगी नहीं है परी, ये तेरी जिंदगी का जहर बन चुकी है। अस्तीन का सांप है ये, जो तुझे जसने के फिराक में हमेशा रहती है। इसे तो मैं, मम्मी ये तो की कह रही है? मैं जो भी कह रही हूँ पूरे होश में कह रही हूँ जी। ताई जी, क्या किया नीति ने? अरे क्या नहीं किया इसने आज तक, और आज तो इसने नीचता की हद पार कर दी है। माता रानी के चरणामृत में इसने कुछ मिलाया? चरणामृत में ताई जी? हाँ, क्योंकि ये जानती थी कि चरणामृत को सबसे पहले परी लेगी। ताई जी, इसमें नीति को इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? हो सकता है नीति ने चरणामृत को टेस्टी करने के लिए कुछ मिलाया हो। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, टेस्टी लगा तो ठीक, नहीं तो दोबारा बन जाएगा, नॉट अ बिग इशू। अगर इसने टेस्ट करने के लिए कुछ मिलाया होता ना, तो मैं पागल नहीं हूँ जो इसे खींच कर यहाँ सबके सामने लेकर आती। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि इसने उस अमृत में जो कुछ भी मिलाया है ना, वो परी नु मारने के लिए मिलाया है। ये इसकी जान लेना चाहती है। What? ताई जी, प्लीज बस कीजिए, रब के वास्ते चुप हो जाइए। बस तो तू कर परी, थक गई हूँ मैं तेरी दोस्ती की कहानी सुनकर। ये जो बचपन की दोस्ती है ना तुम दोनों के बीच में, अब ये बचपन की दोस्ती नहीं रही। बचपन की दहलीज कब का पार कर गए तुम लोग, और उम्र के साथ तुम दोनों की सोच और समझ में भी बहुत अंतर आ गया है। तू है ना अपने आंखों पर है ना ये दोस्ती की पट्टी डालकर बैठ सकती है, मैं नहीं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे इसके गंदे इरादों में ना सफल नहीं होने दूंगी। मैं इसे तेरी जान नहीं लेने दूंगी, समझे तू? ताई जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरी जान के पीछे पड़ी है? ऐसा कुछ नहीं है ताई जी, वो मेरी जान लेने की कोशिश कभी नहीं कर सकती है। परी, ये कैसे बात कर रही है तू ताई जी से? तुझे अच्छी तरह से पता है कि ताई जी बिना वजह कभी कुछ नहीं बोलती, और अगर आज ये कुछ कह रही है और सबके सामने कुछ कह रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होगी। एक बार परी इनकी बात सुन तो ले प्लीज। अभी अब रुक जा, चल घर चल, तुम सब भी चलो, बाकी की बातें घर चल के करेंगे। नहीं जी, जो बातें होगी सब यही होगी। इसने परी नु नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, हमारी बहू की जान लेने की कोशिश की है। इसकी सच्चाई ना सबके सामने आना जरूरी है। रजाई जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप अभी अगर यहाँ कुछ कहेंगी ना, कल को पूरा चंडीगढ़ वही बात दोहराएगा। शहर में हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी प्रजाई जी, इसलिए कार की बात कार में ही रहे तो अच्छा है। मैं पागल हूँ जो बेवजह सबके सामने अपने कार की इज्जत को उछाल रही हूँ? मेरे मन में जो चल रहा है ना, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आंखों देखी कहानी है। वो सच्चाई है और सच्चाई बदल नहीं सकती, चाहे तू माने या ना माने। एक सच ये भी है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह तू भी है। बस कीजिए प्रजाई जी। आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के सामने कुछ भी बोलेंगी। अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगी मैं ऐसे। आपको तो बस मौका मिलना चाहिए बेकार का तमाशा खड़ा करने का। बेकार का ही सही, लेकिन तमाशा देख के ना दिल खुश हो गया। कितने दिनों से ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला था। बस कर गुरिंदर, मैं कोई बेकार की बहस नहीं कर रही हूँ। सारे फसाद की जड़ तू है, तूने हमेशा गलत का साथ दिया है, तेरी वजह से हमारे घर में आई। घर जाने का सोच रही थी मैं तो, लेकिन वहाँ जाके ये सब तमाशा देखने को कहाँ मिलता। कहीं ताईशी नीति के सामने सब कुछ बोल ना दे और उसकी वजह से नीति की तबीयत। नहीं नहीं नहीं, नीति को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। आप नीति को कुछ टाइम से जानते हो, लेकिन मैं उसे बचपन से जानती हूँ, और इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और जितना भरोसा तुम्हें है ना नीति पे, उतना ही भरोसा मुझे अपनी ताई जी पे है। और कभी कभी तो कभी कभी क्या? हाँ, कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी नीति की इस घर में जितनी इंसल्ट हो रही है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वो मेरी दोस्त है। वो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही है
क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से मेरा मेरे ससुराल में किसी के साथ रिश्ता खराब हो। अरे तू ताई जी मुझे पता है कि आप लोग हमेशा मेरा अच्छा चाहोगे और आप दोनों ने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे प्यार दिया है और आज भी आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं जानती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीति की बेइज्जती होती रहे और मैं सहती रहूं। आप लोग प्लीज उस पर शक करना बंद कर दीजिए, वो सच में दिल की बहुत अच्छी है। मैं मानती हूँ कि उससे बहुत बड़ी गलतियां हो चुकी है, लेकिन वो टाइम, वो हालात, वो सब अलग था ताई जी, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है, उसकी याददाश्त सच में। उसकी याददाश्त ताई जी प्लीज आप बस नीति पर शक करना बंद कर दीजिए। परी, परी, पुत्तर, परी, जाने दे उसे पुत्तर, वो इस वक्त कुछ नहीं समझने वाली। नीति है ना, परी के भोलेपन का फायदा उठा रही है। वो परी नू ढाल बनाकर अपने गंदे इरादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। भाई जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हम करें तो करें क्या? आपने देखा ना, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो एक काम कर पुत्तर, आज से ना उस नीति पर कड़ी नजर रखना शुरू करते हैं। बहुत ही शातिर कुड़ी है वो, परी की बहुत बड़ी दुश्मन बन गई है, वो कभी भी परी पर अगला वार कर सकती है। भरोसा तो मुझे भी नहीं नीति पर ताई जी, लेकिन परी का क्या करें, उसे कैसे समझाएं? उसे इस वक्त समझाना नामुमकिन है पुत्र। नीति ने ना उसके दिमाग पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है, पूरा कब्जा कर लिया उस पर। ताई जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। हाँ पूछना पुत्र। ताई जी, आपने कहा था कि आपने नीति को चरणामृत में कुछ मिलाते हुए देखा। हाँ। लेकिन वही चरणामृत परी ने पिया तो उसे कुछ, भगवान का शुक्र है कि उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं समझ रही हूँ पुत्र, तू क्या कहना चाह रहा है, लेकिन नीति बहुत ही चलाक कुड़ी है। जैसे शक्कुड़ी मामा थे ना शातिर, वैसी है वो, हर पासाना सोच समझ कर फेंकती है वो। हमें परी नू लेकर बहुत सावधान रहना पड़ेगा पुत्र। अब तू जा, पर हाँ एक मिनट के लिए भी ना परी नू अकेला मत छोड़ना, खतरा भी टला नहीं है पुत्र। जी ताई जी। कैसे हाथ पे हाथ रखे बैठी रहूंगी मैं? कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा परी से पीछा छुड़ाने का, पर रास्ता तो नहीं मेरे पास, क्या करूं? एक रास्ता है, राकेश को फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? क्या हुआ नीति? कुछ नहीं आंटी जी। कुछ सोच रही थी? नहीं, वो आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू? किस बात के लिए? जब आपकी पूरी फैमिली मेरे खिलाफ थी, मुझ पे शक कर रही थी, तब भी आपने मुझ पे भरोसा बनाए रखा। इतनी बड़ी बेवकूफ थी मैं, आज रियलाइज होता है मुझे। संजू अच्छा खासा आया था मेरे पास मुझसे माफी मांगने के लिए, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए, मुझे मनाने के लिए, लेकिन मैं ही पागल थी। मुझ पे जो बहुत सवार था डाइवोर्स लेने का, बिना सोचे समझे मैंने डाइवोर्स ले लिया उससे। कितना प्यार करता था वो मुझसे, लेकिन मैं ही पागल हो गई थी, अंधी हो गई थी परी से नफरत के चक्कर में। खुदी के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने, जिंदगी खुद बर्बाद कर ली अपने हाथों से। नीति, नीति,
नीति, नीति कहाँ हो तुम? गलती होनी थी, हो गई, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधार के रहूंगी। सच्चू सिर्फ मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा।